इतना सारा बर्फ, भी थोड़ा सा बर्फ तो भैया हम खा ही लेंगे यहाँ से। वाह तो भाई यहाँ पे एक गाड़ी चली गई बाहर, इसका एक टायर और ये लोड गाड़ी है। तो अभी मैं लगा हूँ रोटी बनाने जाने से पहले, तो बस थोड़ी रोटी मैंने बना ली है और कुछ मैंने और बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी सिलाई में, और सिलाई से हम शायद थोड़ा सा आगे आ गए। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग है, गाड़ियाँ खड़ी है, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। और ये सामने को उत्तराखंड, तो भाई ये रहा सामने उत्तराखंड। उत्तराखंड कौनू गांव है ये, है ना? हाँ जी, ये कौनू और कोई दिख रहा है यहाँ से गांव उत्तराखंड का? ऊपर ऊपर धार पे गांव, मतलब जो नदी से पार को ये सारा उत्तराखंड है ना? हाँ, ये जौन सारे बावर जौन सारी पार्क, बावर जौन सारा। अच्छा, ये यार कोई हिमाचल, ये हमारी बाउंड्री है तौंस नदी की। तो भाई उत्तराखंड से हमारे काफी वो मिलते जुलते, मतलब हम आते जाते रहते उत्तराखंड में भी। हाथ है दबाने later. 70 किलोमीटर यहाँ से नहीं यार, 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर से यहाँ से वहाँ से भी घूमा के। तो ये है रविंदर भाई का स्टूडियो और नेरवा में ये स्टूडियो है। तो अभी हम चलते हैं आगे, हमने तो काफी आगे निकलना है अभी। दोस्तों अभी हम हैं नेरवा और चपाल के बीच, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में अभी हम एंटर कर चुके हैं। तो हमने नेरवा में खाना खुना खाया और खाना खा के अभी हम चले हुए भाई रास्ते में। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप थी तो हम थोड़ा धूप सेकने रुक गए थे 4-5 मिनट के लिए। तो भाई हमने यहाँ से काफ़ी आगे जाना है अभी। तो हम चपाल से आगे निकल चुके हैं और जंगल ही जंगल वाला रास्ता है यहाँ पे, खतरनाक जंगल है बिल्कुल पूरा, और जंगल के बीचों बीच सड़क है। पागल हो गया क्या? तो भाई ये बंदा पता नहीं कैसे चल रहा था यार, मोड़ के पीछे ओवरटेक ले रहा है। तो भाई यहाँ पे एक गाड़ी चली गई बाहर, इसका एक टायर और ये लोड गाड़ी है, तो अभी पलट भी सकती है। तो यार धीरे धीरे, इसका कोई पता नहीं है कि कब पलट जाए यहाँ से, अब क्योंकि लोड गाड़ी है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों भैया हमें यहाँ पे बर्फ मिल गई, तो अभी मैं बाइक लगा लेता हूँ साइड में। बर्फ के साथ खेलना और बैठना काफ़ी अच्छा लगता है अभी बर्फ के साथ। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, शायद हमें आगे और भी मिल सकती है बहुत ज़्यादा। तो खतरनाक यार, मजा आ गया, मन खुश हो गया बर्फ को देख के। खा ले खा ले, अभी थोड़ा सा बर्फ तो भाई हम खा ही लेंगे यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ बर्फ, और ये देखिए थोड़ा टेस्ट किया जाए। वैसे ठंड काफी लग रही है, ठंड भी हमें, पर चलो। वाह जबरदस्त, अगर हमें ये पता था कि हमें बर्फ मिलने वाली, हम तो
वो लेके आते साथ में नमक। आए हाय। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट और बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे लोकेशन है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्नो है, अब पिघल चुका है वैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है इतना भी। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट शिमला में हैं यार, चौपाल से हम कोई पाँच या सात किलोमीटर आ गए हम चौपाल से। दया और चौपाल के बीच है अभी हम, तो हमने तभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, बट चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्नो मिल गया तो हम थोड़ा सा आगे एंजॉय करने स्नो में। तो अभी हम जा रहे हैं सड़क की ओर और वही हम बीच बीच से जो पेड़ है ये देवदार के, इनके हम बीचों बीच जा रहे हैं। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने यहाँ पे स्नो में, लेकिन ठंड भी अब लग रही है थोड़ी सी। तो अभी चलते हैं नीचे सड़क की ओर रास्ता थोड़ा सा। तो एक बार फिर से देख लीजिए जी बर्फ पीछे। तो भाई ऐसे होती है पहाड़ों में, ये नेचुरल चीज़ है भाई बर्फ। तो काफ़ी लोग तरसते हैं बर्फ़ को देखने के लिए। वैसे तो हमारे साइड खुद गिरती है बर्फ़, अपने सिलाई में भी गिरती है, बट कोई नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे सड़क की ओर। काफ़ी अच्छा लगा भाई, दिल खुश हो गया बर्फ़ को देख के। वो भी ऐसे जंगल में, तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा ही, ऐसे जंगल में तो बर्फ़ काफ़ी अच्छी लगती है देखने में भी। हम पहुंच चुके हैं जी सड़क पे और ये रही पीछे अपनी बाइक। तो अभी निकलते हैं भाई आगे अपने मंजिल की ओर। तो यहाँ सड़क से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो है और यहाँ नीचे नीचे भी जंगल में बहुत ज़्यादा है, जैसे पेड़ है बहुत ज़्यादा तो धूप नहीं लगती इसमें, तो इस कारण से बर्फ़ जो है पिघलती नहीं और काफ़ी देर तक रहती है ऐसे जंगलों में। तो ऊपर भी सड़क के किनारे किनारे भी काफ़ी है बर्फ़, चलते चलते बहुत मिल जाएगी हमें। तो भाई सड़क में हमें काफ़ी स्नोफॉल मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा स्नो बर्फ़बारी यहाँ पर हुई थी। तो सड़क बिल्कुल बीचों बीच सड़क है और इधर उधर स्नो, खतरनाक। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर तो बहुत ज्यादा बर्फ है यार। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इधर को, बट सड़क तो साफ है, बट सड़क के इर्द गिर्द है बर्फ़ काफ़ी। वाह भाई वाह, इतना सारा बर्फ। तो भाई यहाँ है बर्फ के असली नज़ारे। ये क्या है यार छोटा सा। तो दोस्तों हम पहुँच गए फाइनली गुम्मा और इस तरह का कुछ यहाँ पे नज़ारा है। तो अभी हम कर रहे हैं भाई बैठ, जगदीश रास्ता जी आ रहे हैं तो उनके बेट में हम अभी वो आएंगे हमें लेने। जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। तो भाई हम वहाँ से स्टूडियो से आ गए और हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो हम टॉप में आ गए हैं बिल्कुल ऊपर को और ये नीचे को बस गई। अभी हम हैं चौपाल और क्या नाम था वहाँ का, छेला के बीच, चौपाल और छेला के बीच में अभी हम हैं और हमारे पीछे आप देखते हैं बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़। तो भाई हम यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे कुछ मनोरंजन, हमारे पास ढोलक है तो हम थोड़ा सा अपने सिरमौरी टाइप में कुछ
एक दो लाइन यहाँ पे गुनगुनाएंगे और थोड़ा यहाँ पे एंजॉय करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से घर को। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। हाँ मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, ओ सूरज कहीं भी जाए तुम पर ना धूप आए। हाँ सूरज कहीं भी जाए तुम पर ना धूप आए। ओ सूरज कहीं भी जाए तुम पर ना धूप आए। अरे तुमको पुकारती है इन केसुओं के साए। आ जाओ मैं बना दूँ, आ जाओ मैं बना दूँ पलकों का क्या ठिकाना, पलकों का आशियाना। हाँ मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। तो दोस्तों यहाँ पीछे पीछे को आप व्यू देख सकते हैं कितना खतरनाक आ रहा है। तो भी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत गुनगुनाया, हम कोई कलाकार नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कोशिश करते रहते हैं और काफ़ी हम यहाँ पे इन्जॉय ले रहे हैं भाई स्नोफॉल में। बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम एक या दो फुट बर्फ भी गिरा हुआ, दो या तीन फुट के आसपास, काफ़ी मज़ा आता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, वैसे मज़ा तो बस देखने में आता है, वैसे ठंड तो ज़बरदस्त लगती है। तो ये होती है भाई कलाकारी, यहाँ पे शिव शंकर भगवान महादेव की डिज़ाइन बनाया जा रहा है भाई, उनकी चित्रकारी की जाती है। देखिए बिल्कुल दो मिनट में और बंदे ने कर दिया रेडी। तो भाई टैलेंट की कमी नहीं होती है पहाड़ों में, बंदों में टैलेंट की कमी नहीं होती यार। वाह जबरदस्त यार। वाह जी वाह, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। महादेव जी प्रकट हो गए, तो देख सकते हैं भाई आप क्या ही खतरनाक कलाकृति की है बंदे ने, बिल्कुल हाथ से और सिर्फ दो मिनट में। वाह। उपरा दे बेंडुले फेरा जोहिते केना माने मेरा, बोलो दिल चुड़े हमें कहीं रे, दिल चुड़े हमें कहीं रे, बे आया नो बेरो तेरा जोते केना माने मेरा, बे आया न बेरो तेरा जोते केना माने मेरा।